सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। इस महीने लॉन्च करने से पहले डैटसन इंडिया ने गो और गो प्लस फेसलिफ्ट मॉडल्स को पेश कर दिया है। डैटसन गो फेसलिफ्ट और गो प्लस फेसलिफ्ट के स्टाइल में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। डैटसन के डीलरशिप्स पर 11,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर इनकी बुकिंग की जा रही है। कंपनी इन्हें 9 अक्टूबर 2018 को लॉन्च करेगी। वहीं इनकी डिलीवरी लॉन्च के अगले दिन से शुरू हो जाएगी। अपडेटेड डैटसन गो और गो प्लस फेसलिफ्ट पर टिप्पणी करते हुए निसान मोटर इंडिया के डायरेक्टर सेल्स और कमर्शियल हरदीप सिंह बरार ने कहा, इन दिनों युवा ग्राहक ऐसी कारों को तलाशते हैं जो अपनी जीवन शैली को पूरा करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि नई डैटसन गो और गो प्लस भारत में हमारे ग्राहकों को आकर्षक डिजाइन, पावर और परफॉर्मेंस के साथ एक पूरा पैकेज प्रदान करता है। कॉस्मेटिक अपग्रेड्स की बात करें तो गो और गो प्लस फेसलिफ्ट में नया एंगुलर फ्रंट, फिर से बनाए गए हैं हेडलैम्प्स और एक शार्पली स्टाइल बम्पर दिया गया है जो काफी आक्रामक लुक देते हैं। इसके अलावा गो और गो प्लस फेसलिफ्ट में नया वर्टिकली स्टैक्ड लेड डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई है। इसके अलावा कार में सम्मान डिजाइन वाले टर्नलीज के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि इंडोनेशियन मॉडल में दिए गए हैं। वहीं कुल डिजाइन समान रखा गया है। दूसरे अपग्रेड में कार में अतिरिक्त रियर वाइपर जोड़ा गया है। केबिन की बात करें तो 2018 डैटसन गो और गो प्लस में फिर से डिजाइन किया गया डैशबोर्ड, लोकेबल ग्लोव बॉक्स और एक नया सेंटर कंसोल यूनिट दिया जाएगा। गो ट्विंस काफी किफायती कार होगी जिसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट के साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी सिस्टम्स दिया जाएगा। दूसरे बदलाव के साथ कार में ड्राइवर साइड एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम और ड्राइवर और पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम स्टैंडर्ड दिए जाएंगे जो कि 2019 से लागू होने वाले नए सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करते हैं। गो और गो प्लस के इंजन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कार में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 5000 rpm पर 67 bhp की पावर और 4000 rpm पर 104 nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लेस है। वहीं इसमें रेडी गो वाली amt यूनिट भी दी जा सकती है। भारतीय बाजार में यह कार अपने सेगमेंट में मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10, रेनो क्विड और इसी महीने लॉन्च होने वाली नई जनरेशन हुंडई सेंट्रो एएच 2 को टक्कर देगी। दोस्तों, आपको यह कार कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। किसी के साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह की मजेदार खबरें पढ़ सकें।